Namaskar, hello and welcome. In today's lecture series, I'll be talking to you about campus radio and its role in education. Radio एक ऐसा शब्द है जिससे हम सबका वास्ता बहुत छोटी उम्र से होता है. टीवी, रेडियो, अखबार की दुनिया और फिर इंटरनेट, ये सब आपस में जुड़े हैं. लेकिन इसके बावजूद बहुत सी चीज़ें हमारे लिए अनजानी होती हैं या हम उसके बारे में कम जानते हैं. इसीलिए आज हम बात करेंगे कैंपस रेडियो के बारे में. जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने सिलेबस में देखा होगा कि कमर्शियल रेडियो, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कम्युनिटी रेडियो और कैंपस रेडियो, इन तीनों विधाओं का, चारों विधाओं का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होता है. इसी कड़ी में आज आपसे बात कैंपस रेडियो पर. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि असल में रेडियो है क्या और क्यों ये हम सबके लिए ज़रूरी है. मार्शल मैक्लुहन ने ये कहा था कि रेडियो अफेक्ट्स मोस्ट इंटीमेटली पर्सन टू पर्सन, ऑफरिंग अ वर्ल्ड ऑफ अनस्पोकन कम्युनिकेशन बिटवीन राइटर, स्पीकर एंड द लिसनर. तो रेडियो बहुत इंटीमेट माध्यम है, पर्सन टू पर्सन. ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही पर्सनल लेवल की कम्युनिकेशन हो रही हो और उसी में एक आपसी संबंध बनने लगता है एक लिसनर और उस इंसान में जो कि ब्रॉडकास्टर है. एक और डेफिनेशन जो रेडियो के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, रेडियो इज द मोस्ट इंटीमेट एंड सोशली पर्सनल मीडियम इन द वर्ल्ड. बहुत ही इंटीमेट तो है ही, बहुत ही निजी है और उसके अलावा सोशली पर्सनल मीडियम है. असल में रेडियो में कई सारी खूबियाँ हैं. जैसे कि कहते हैं कि टीवी गिव्स एवरीवन एन इमेज, बट रेडियो गिव्स बर्थ टू अ मिलियन इमेजेस इन अ मिलियन ब्रेन्स. इसका मतलब ये है, असल में जब आप टीवी देखते हैं, टीवी जो कहता है उसके साथ साथ शॉर्ट्स आते हैं, इमेजेस आते हैं. उन इमेजेस को देखते देखते आप वॉइस ओवर के साथ साथ उस खबर को, स्टोरी को, डॉक्यूमेंट्री को देखते और समझते हैं. लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है. रेडियो महज आवाज़ की दुनिया है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी और चुनौती भी है. रेडियो को सुनते हुए श्रोता के दिमाग में स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी इमेजेस बनने लगती हैं. ऐसे लगता है जैसे एक मेंटल एक्सरसाइज हो रही हो. मिसाल के तौर पर अगर रेडियो में बाढ़ की खबर सुनाई जा रही है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बाढ़ की कुछ इमेजेस की कल्पना करने लगेगा. इसी तरह अगर किसी फ्लावर शो की बात रेडियो ब्रॉडकास्टर कर रहा है तो आपके दिमाग में अपने आप कई ऐसी तस्वीरें उभरने लगेंगी जिनका ताल्लुक फूलों से होगा. ब्रॉडकास्टिंग इज रियली टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द ब्रॉडकास्टर्स. ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा बहुत कुछ है जिसमें रीडर या स्पीकर, लिसनर, ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, इन सब के बीच एक पुल बनने लगता है, संवाद का पुल. और इस संवाद के पुल को ठीक तरह से समझने के लिए टेलीविज़न और रेडियो की अलग अलग विधाओं को जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन युवाओं के लिए जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं. अब मैं आपसे बात करूँगी कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है क्या. Radio broadcasting is the transmission of audio or the sound by radio waves to radio receivers belonging to a public audience. So there is a public audience which is getting connected through the transmission of audio or the sound which is coming through radio waves. Radio involves the process by which messages are sent through electrical waves. तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो संदेश हैं वो इलेक्ट्रिकल वेव्स के जरिए लिस्नर तक या ऑडियंस तक पहुंचते हैं. द वर्ड रेडियो इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू द ईयर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब हम बात करेंगे कि जब हम रेडियो को समझना चाहते हैं तो क्या रेडियो में कुछ और शाखाएँ, कुछ और हिस्से भी हैं. बिल्कुल हैं, और इन्हें आपके लिए जानना और हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले और बहुत ज़रूरी, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, जन सेवा प्रसारक.
In India, Prasar Bharati is India's public broadcaster. It is an autonomous corporation of the Ministry of Information and Broadcasting. It comprises Doordarshan and All India Radio. Public service broadcaster ka matlab ye hai, jo janta ke paison se janta ke liye chalaya jata hai. Matlab ye, isme janhit sarvopari hai. Isme commercial interest important bilkul nahi hai. Janta ki ruchi, uska interest, uske liye awareness, jagrukata ki karyakram, uske liye har wo baat, jo uski jaanni zaruri hai, uska zimma hai public service broadcaster ke paas. भारत में प्रसार भारती पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है. इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ये दोनों ही काम करते हैं. ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी, 1957 में AIR का नाम रख दिया गया आकाशवाणी, जिसका मतलब है वॉइस फ्रॉम द स्काई, यानी आसमान से आती हुई आवाज़. ये एक नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है भारत का और प्रसार भारती की एक डिवीजन है. 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की जब शुरुआत हुई, उसके बाद से लेकर आज तक लगातार नए कीर्तिमान और आयाम ऑल इंडिया रेडियो स्थापित करता रहा है. आप अगर दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो की साइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारत सरकार जो महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च करती है या जो ज़रूरी संदेश होते हैं जनता के लिए, उसके लिए इन प्लेटफॉर्म्स में विशेष जगह दी जाती है, ताकि जनता हमेशा जागरूक रहे और उसे तमाम तरह की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन तमाम गतिविधियों के बारे में ठीक और तथ्यपरक समय अनुरूप सूचनाएं मिल सकें. इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जिनके ज़रिए भारत की कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, डायलेक्ट्स, भाषा, इस सब को प्रिजर्व किया जा सके, इस सब पर भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है. अब है कमर्शियल रेडियो, यानी कि ऐसा रेडियो जो कि कॉमर्स पर भी बहुत हद तक आधारित है. इट जनरेट्स रेवेन्यूज थ्रू एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो कॉल्ड रेडियो कॉमर्शल्स, रेडियो स्पॉट्स और एडवर्टाइजिंग जिंगल्स. अब ये सब शब्द भी आपके लिए जानने ज़रूरी हैं. विज्ञापन क्या होता है, कितने तरह के विज्ञापन होते हैं, क्यों विज्ञापन दिए जाते हैं, उसके ज़रिए रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है, ये आपको पढ़ना चाहिए. इसी तरह रेडियो कमर्शियल्स कितने तरह के हैं, रेडियो स्पॉट्स, एडवर्टाइजिंग जिंगल्स, इनके ज़रिए भी कमर्शियली रेडियो रेवेन्यूज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं. अब मैं आपसे बात करूंगी कम्युनिटी रेडियो के बारे में, जिसे हिंदी में सामुदायिक रेडियो भी कहा जाता है. दिस ऑफर्स अ थर्ड मॉडल ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन एडिशन टू कमर्शियल एंड पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग. मैंने जैसे आपसे बात की कमर्शियल और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, अब ये तीसरा मॉडल है जो कि सामुदायिक रेडियो के जरिए जनता के साथ संपर्क बनाए रखने का प्रयास करता है. कम्युनिटी स्टेशंस सर्व जियोग्राफिक कम्युनिटीज एंड कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट. अब यहाँ दो और ज़रूरी बातें हैं, भौगोलिक आधार पर समुदाय का चुनाव और फिर समुदाय की रुचि और ज़रूरत के हिसाब से कार्यक्रम. मिसाल के तौर पर हरियाणा के किसी छोटे से गांव में एक सामुदायिक रेडियो शुरू किया जाता है तो वो उस भौगोलिक सीमा का ध्यान रखेगा, वहाँ के लोगों की भाषा, ज़रूरतों, रुचियों, उनके टेस्ट क्या हैं, क्या जानना समझना वो चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या सुलझाना वो चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, इन सब पर विचार करते हुए जो रेडियो उस छोटे से एरिया के लिए, उस छोटे से ज्योग्राफिक कम्युनिटी के लिए बनेगा, उसे कहेंगे हम कम्युनिटी रेडियो. दे ब्रॉडकास्ट कंटेंट दैट इज़ पॉपुलर एंड रेलिवेंट टू लोकल
specific audience but is often overlooked by commercial or mass media broadcasters. अब देखिए क्या होता है कि कमर्शियल मीडिया कई बार बहुत पॉपुलर होता है. हो सकता है कि उसने पॉपुलर होने के लिए उस पर काफ़ी ध्यान दिया हो और रेवेन्यू भी जनरेट किए हों, लेकिन जो कम्युनिटी रेडियो है उसके पास ना तो ऐसे रेवेन्यूज़ होते हैं ना ही ऐसे संसाधन और साधन होते हैं. लेकिन उसके पास ओरिजिनलिटी होती है, लोकल कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए कार्यक्रम होते हैं और एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो कि उस एरिया से जुड़ी होती है. इन इंटरेस्ट को अक्सर कमर्शियल मीडिया या मास मीडिया पूरी तरह से इग्नोर कर देता है. जैसे मैंने आपसे हरियाणा की बात की, एक छोटे से गांव में अगर एक सड़क है जो टूटी है, हो सकता है जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है उसकी उसमें ज़रा भी रुचि ना हो, वो उस पर समय भी ना देना चाहे और ना दे पाए. उसे लगे कि अपने रिपोर्टर को वहाँ तक भेजना, उसके लिए जो पैसा खर्च होगा वो शायद रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए, लेकिन लोकल कम्युनिटी के लिए तो वो सड़क बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे जो उनके सरोकार हैं उसको प्लेटफॉर्म देता है कम्युनिटी रेडियो. अब आपसे मैं बात करूंगी कैंपस रेडियो के बारे में. असल में होता यह है कि ये जो चारों किस्म है रेडियो की, हम लोग अक्सर उन्हें आपस में गड़मट कर देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. आपके लिए जानना ज़रूरी है चारों विधाएं अलग हैं, चारों के काम करने का तरीका बहुत अलग है और चारों की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी कुछ असमानताएं हैं, लेकिन सभी की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है और अपनी अपनी ज़रूरत है. हम इनमें से किसी को भी ना तो नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें छोटा मान सकते हैं. तो कैंपस रेडियो जो है वो भी एक तरह का सामुदायिक रेडियो है, लेकिन वो उससे भी और छोटा समुदाय है. वो क्या करता है, वो यूनिवर्सिटी के बीच में रन करता है. इट इज़ रन बाय द स्टूडेंट्स और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो होता ये है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अपना एक कैंपस रेडियो हो सकता है, इसीलिए इसका नाम भी कैंपस रखा गया है, कैंपस रेडियो जो उस कैंपस में चले. इससे आपको ये बात याद रहेगी. और जिसे स्टूडेंट्स चलाते हों, और एक और ज़रूरी बात कि उसका नाता, सीधा नाता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होना ही चाहिए. कैंपस रेडियो के बहुत सारे नाम हैं. जब आप कहीं सर्च करेंगे, किताबें पढ़ेंगे या स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैंपस रेडियो को यूनिवर्सिटी रेडियो भी कहा जाता है, कॉलेज रेडियो और स्टूडेंट रेडियो भी. कॉलेज रेडियो इसलिए क्योंकि कॉलेज में चल रहा है, स्टूडेंट रेडियो इसलिए क्योंकि उसे स्टूडेंट चला रहे हैं और स्टूडेंट अपने पसंद का, अपनी ज़रूरत का कॉन्टेंट दे रहे हैं. यहाँ भी ज़रूरी बात यह है कि आप अगर कंपेयर करेंगे, कमर्शियल रेडियो के पास हो सकता है ना तो समय हो ना डिज़ायर हो कि वो सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक कार्यक्रमों को तरजीह दें, लेकिन जब स्टूडेंट अपने लिए कार्यक्रम खुद बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कंटेंट को जनरेट करेंगे. और वो ये भी जानते हैं कि उन्हें फ्यूचरिस्टिक होना है, अपने भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाने हैं, भविष्य के बारे में सोचना है. उनके लिए जानना ज़रूरी है कि पढ़ाई करने के बाद आगे फर्दर स्टडीज़, हायर एजुकेशन के क्या स्कोप हैं, भारत से अगर विदेश जाना है किन देशों में वो जा सकते हैं, उन्हें क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, अगर उन्हें नौकरी करनी है तो किस तरह की नौकरियां उनके सामने उपलब्ध हैं, किन स्किल्स को उन्हें आना चाहिए या वो सीख सकते हैं. कई बार किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर करनी है तो उसके लिए तो कैंपस रेडियो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित होता है. कैंपस रेडियो इज़ जनरली लाइसेंस्ड and regulated by national governments and have different characteristics as per the country. अब ये मत मानिएगा कि हर देश का कैंपस रेडियो एकदम एक जैसा होगा, ऐसा नहीं होता. हर देश की सरकार, हर देश का समाज, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की पॉलिसीज़ ये डिसाइड करती हैं कि वहाँ का कैंपस रेडियो कैसा होगा. आमतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैंपस रेडियो को बहुत तरजीह दी जाती है, लेकिन लोकल टेस्ट और ज़रूरतों के मुताबिक कैंपस रेडियो में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सोसाइटी और दैट कंट्री. ओकेशनली कम्युनिटी रेडियोज आर ऑपरेटेड बाय ट्रेनिंग प्रोफेशनल रेडियो पर्सनल विद द एम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्रामिंग.
ऐसे कई कैंपस रेडियो स्टेशंस हैं और आपको अगर मौका मिले आप भी जाके विजिट कीजिए। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें रन करने लगते हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड ऑन हाउ टू ऑपरेट डिफरेंट मॉड्यूल्स दैट दे हैव एंड हाउ डू दे वर्क ऑन द टूल्स। उन्हें हो सकता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करना ना आता हो। इन दैट केस ट्रेनिंग प्रोफेशनल कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू दीज स्टूडेंट्स। इसके दो फायदे हैं, एक तो वो कैंपस रेडियो को बड़े आराम से चला सकते हैं, दूसरा फायदा यह है कि उनके लिए रोजगार का एक अवसर भी बन जाता है। वैसे तीसरा एक और फायदा है, वो ये है कि जो पैशनेट होते हैं, जो आगे जाकर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को अपने एक पैशन के तौर पर भी परसू करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बना बना प्लेटफॉर्म बन जाता है। आप सोचिए ना, अपने कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ आपके पास कैंपस रेडियो है, आप उसे रन कर रहे हैं, उसके स्किल्स को सीख रहे हैं, तो आपके पास एक बना बनाया एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म अपने आप तैयार हो जाता है। अदर रेडियो स्टेशंस एग्जिस्ट टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स टू कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर्स। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग न्यूज एंड अपडेट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्पोर्ट्स, स्पोकन वर्ड प्रोग्रामिंग एंड म्यूजिकल प्रोग्राम्स। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में कोई इवेंट है और दूसरे कॉलेज में जो कैंपस रेडियो है वो उसके बारे में उसकी सूचना दे रहा है, उससे सारे बच्चों को पता लग जाएगा कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह कोई साउथ इंडिया में कोई कैंपस रेडियो है और वो अलग अलग इवेंट्स बता रहा है स्टूडेंट्स को, जिसके बारे में उन्हें खबर तक नहीं है, तो सोचिए ना कितनी जानकारी उनकी बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हर सूचना ना तो अखबारों में आपको मिल सकती है, ना गूगल पर और ना ही टेलीविजन पर, और इसीलिए इस तरह के एक छोटे सेटअप का और इम्पोर्टेंट सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मान लीजिए आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर एक राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स इवेंट हुआ और कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है अखबार में उसको छोटी सी जगह मिले या ना भी मिले, लेकिन कैंपस रेडियो इन हीरोज़ के बारे में खूब डिटेल में बात कर सकता है, उन्हें सम्मान दे सकता है, उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर सकता है। इसी तरह स्पोकन वर्ड प्रोग्रामिंग और म्यूजिकल प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम्स तो बहुत ही पॉपुलर हैं। जैसे आप किसी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं और आपने वहाँ पर साथ ही में उससे जुड़ा हुआ कोई गाना चला दिया, तो सोचिए ना बच्चों को कितना मज़ा आएगा। बच्चे किसी विशेष कार्यक्रम को सुनेंगे और उसके साथ जुड़ा हुआ अगर वो गाना सुन लेते हैं तो उन्हें वो चीज़ें बहुत समय तक याद रहेंगी। इसी तरह से जैसे आपने कहा बच्चों के एग्ज़ाम्स का समय आ रहा है और वो बहुत टेंशन में, तो आप उनकी टेंशन को एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पर भी तो किसी अच्छे संगीत को चला सकते हैं। और एक और बात है, हर कैंपस में बहुत सारे गीतकार होते हैं, बहुत सारे संगीतकार होते हैं, बहुत से बच्चे, कोई अच्छा गिटार बजाता है, कोई अच्छा हारमोनियम, आप उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ पर आकर वो अपने टैलेंट को सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि ये जो युवा हैं आने वाले समय में यही तो भविष्य हैं, और इन युवाओं को अगर ऐसी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, ऐसी ऑडियंस मिलती है, तो सोचिए उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ सकता है। यहाँ पर मैं हॉलिंग्सवर्थ की एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो 2004 में कही गई। कैंपस रेडियो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू मेनी स्टूडेंट्स टू चेक आउट एग्जैक्टली व्हाट गोज इनटू मेकिंग अ रेडियो शो एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू हैव अ गो एट वर्चुअली एवरी जॉब अवेलेबल इन रेडियो। तो होता क्या है कि इसके ज़रिए बच्चे रेडियो शोज, प्रोग्रामिंग, न्यूज़, करंट अफेयर्स, म्यूजिकल शोज, एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, ये सब सीख लेते हैं और उसके अलावा उनके सामने जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बनने लगती हैं। इट इज़ स्पेसिफिकली बेनिफिशियल व्हेन इट इज़ बिल्ट यूजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्स प्रोफेशनल टूल्स इन अ वे दैट इज सिंपल एंड एक्सेसिबल बाय प्रेजेंटर्स ऑफ ऑल एजेस। देखिए टेक्नोलॉजी तो रोज़ बदलती है, लेकिन जब बच्चों को ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलने लगता है, वो रेडियो के कंसोल के साथ रोज़ काम करने लगते हैं, तो वो ये भी समझ जाते हैं कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है और उसके मुताबिक वो उसकी सीख में इजाफा करते जाते हैं। रेडियो इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड रनिंग ए रेडियो शो टेक्स कमिटमेंट एंड टीम वर्क इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ सक्सेस। बच्चे टीम वर्क सीखते हैं,
क्योंकि देखिए, अगर आपने ये सारी तैयारी स्कूल और कॉलेज में नहीं की तो बाहर जाके अचानक कुछ भी करना मुश्किल होगा। अब रेडियो का प्रोग्राम कोई एक आदमी तो अकेले कर नहीं सकता, आपको तो एक टीम चाहिए ना। कोई रिकॉर्ड करेगा, कोई बोलेगा, कोई एडिट करेगा, कुछ उसमें म्यूजिक डालेगा, कोई कंटेंट लाएगा। तो सोचिए क्या बढ़िया टीम वर्क हुआ। और ये भी एक तरह की आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट के स्किल्स वो आपको सिखाते हैं। इसी तरह स्कूलों में भी अब ऐसे कैंपस रेडियो चलने लगे हैं जिसमें कि बच्चे स्कूल का जो इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर है उसमें रेडियो को चलाते हैं। और इसमें कई जगह पर ये पाया गया है बहुत पुख्ता तौर पर कि कैंपस रेडियो के ज़रिए बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ता है। पीपल फाइंड टॉकिंग टू अ माइक इन अ क्लोज रूम फार लेस इंटिमिडेटिंग देन अपेयरिंग ऑन कैमरा ऑन स्टेज। आप देखते होंगे अचानक कभी कोई कैमरा के सामने आता है तो पसीने आने लगते हैं, घबरा जाता है, डर लगता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। लेकिन रेडियो में कुछ ऐसा है कि उसका जो माइक्रोफोन है वो पल भर में आपका दोस्त बन जाता है। आपको अपनी अपेयरेंस की कोई चिंता नहीं होती, आसपास का एटमॉस्फेयर आपको परेशान नहीं करता, आप होते हैं और आपका रेडियो होता है और मन भर के आप संवाद कर पाते हैं। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस वेदर इट इज डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट इश्यूज और शेयरिंग आइडियाज। अब देखिए इसमें एक और भी बात है, क्योंकि ये कैंपस के अंदर चलना है, इसका मिसयूज़ नहीं होता, बिल्कुल भी मिसयूज़ होने की संभावना नहीं रहती। इसमें बच्चे बड़े इत्मीनान से आपस में बात कर सकते हैं, अलग अलग मुद्दों पर, विषयों पर अपनी राय रख सकते हैं और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, उसके पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है, वो यहीं पर शेयर कर सकता है और बाकी बच्चों के आइडियाज़ को लेकर उनके साथ जुड़कर कुछ बड़ा काम कर सकता है। इससे उन्हें अपने आइडियाज़ को पॉलिश करने में, रिफाइन करने में, नई चीज़ों को ऐड करने में भी बहुत मदद मिल सकती है। गिव्स अ कॉन्फिडेंट वॉइस विद इन योर स्कूल। अब होगा क्या कि स्कूल और कॉलेज में जब आप ऐसे अपनी बात करने लगते हैं तो आप अचानक एक पहचान बना लेते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, स्टार हो जाते हैं एक तरह से। बहुत सारे लोग आपको आपकी आवाज़ से पहचानने लगते हैं, आपके नाम से जानने लगते हैं, वो आपका प्रोनाउंसिएशन पहचानने लगते हैं। और ये जो एक पहचान है, जो ये सालों साल साथियों की, आपकी जो सहपाठी हैं उनके दिमाग में रहेगी, क्योंकि उन्होंने आपकी आवाज़ को एक नियमित तौर पर सुना था। आवाज़ का जो जादू है वो कैंपस रेडियो के ज़रिए बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लोर और एक्सपैंड किया जा सकता है। डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। देखिए बोलते तो हम सारा दिन हैं, लेकिन कैसे बोलना है ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। बोलना और सलीके से बोलना, सिर्फ बोलना और ढंग से बोलना, इसमें फ़र्क हो सकता है। रेडियो आपको सलीके से बोलना सिखाता है। इसके अलावा रेडियो आपको सलीके से सुनना भी सिखाता है, क्योंकि अच्छा बोलने के लिए और सही बात कहने के लिए ठीक से सुनना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक स्किल है और इस स्किल को डेवलप करने में रेडियो मदद करता है। वो कैसे? कई बार आप इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, फ़ोन इन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी दूसरे की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद ही अपने संवाद को आप आगे बढ़ाते हैं। फिर है इम्प्रूविंग लिटरेसी। जैसे कि आप अपने कैंपस में किसी विदेशी भाषा का या किसी रीजनल भाषा का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं और आप जानते हैं ज़्यादातर बच्चों को ये भाषा नहीं आती। अब जब आप रोज़ कुछ देर का एक मॉड्यूल सुनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर बाकी लोग धीरे धीरे उस विषय, उस भाषा में लिटरेट होने लगेंगे। इसके कई फायदे हैं। आपका समय बचता है। असल में रेडियो जो है मल्टीटास्किंग लाता है, तो आप हो सकता है उस समय खेल रहे हों, कैंपस में घूम रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, कॉफ़ी पी रहे हों और साथ साथ रेडियो की आवाज़ चल रही हो, रेडियो आपको बता रहा हो कि इस भाषा में इस शब्द को ऐसा उच्चारण होता है। तो सोचिए आपके तो एक साथ कई काम हो रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं और अपने आप को इन्फॉर्म और एजुकेट भी कर रहे हैं। रेडियो आपके काम में बाधा नहीं बनता, रेडियो बल्कि आपका साथी बनता है, आपका सहपाठी और आपका सहयोगी बनता है। रेडियो के ज़रिए यू ऑल्सो लर्न टू राइट स्क्रिप्ट एंड यू नो हाउ टू प्रिपेयर बिटवीन द लिंक्स। अभी कार्यक्रम 2 घंटे का है, एक प्रोग्राम के बीच में दूसरे प्रोग्राम में आप क्या बोलेंगे, आपने 5 गाने चलाने हैं, उन गानों के बीच में क्या बोलेंगे, तो आप स्क्रिप्ट्स की तैयारी करते हैं। कई बार आप लिखते हैं, उससे आपका लिखने का स्किल डेवलप होता है।
आजकल इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिखने की स्किल में कमी आई है, लेकिन जब आप रेडियो के लिए काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली इस स्किल में पारंगत होने लगे हैं। इसी तरह आप ये भी समझने लगेंगे कि कई बार आपके पास स्क्रिप्ट को लिखने का बिल्कुल समय नहीं होगा, आपको अचानक अपनी बात को कहना है, तो वो भी आप कर पाएंगे क्योंकि आपका प्रिपरेशन है। आप रोज़ क्या थे, एक अच्छे लिसनर थे और एक अच्छे स्पीकर थे। इसके अलावा आप अच्छे राइटर भी थे। जब ये सारे गुण आप में मिल जाएंगे तो फिर आपका आत्मविश्वास वाकई बहुत ऊंचाई पर होगा। आपके सामने स्क्रिप्ट हो या ना हो, आप बड़ी आसानी से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे। एक्सटेंड दिस प्रिपरेशन फॉर टॉक शोज, रेडियो ड्रामा और टेलीफोन इंटरव्यूज। जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उस प्रैक्टिस को आप टॉक शोज, रेडियो ड्रामा और टेलीफोन इंटरव्यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंपस रेडियो ने असल में रेडियो ड्रामा की विधा को भी बहुत ऊंचाई दी है। अभी आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कैंपस रेडियो और उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज तक की बात फिलहाल इतनी ही। अब हम बात करेंगे दूसरे अंक में और हम बात करेंगे कैंपस रेडियो को कैसे और विस्तार दिया जा रहा है।